प्रकार से कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, हॉस्पिटल फुल हो गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल फुल हो गए हैं, हम कोविड जगह जगह कोविड सेंटर बना रहे हैं, उसके माध्यम से लोगों को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पूज्य मंगला माता जी का, उन्होंने 1000 बेड कोविड सेंटर का बनाने के लिए हमें आश्वस्त किया है, लेकिन दवाइयाँ वो दे देंगी, ऑक्सीजन बेड वो दे देंगी, लेकिन उसको चलाने के लिए डॉक्टर्स की आवश्यकता है, उसकी हमें कमी है। तो कल मैंने CDS जनरल रावत से मुलाकात की थी, उन्होंने आश्वस्त किया है कि सेना इस पर हमारी मदद करेगी, डॉक्टर्स हमें देगी। दो डॉक्टर्स मैंने आज ही वापस यहाँ पर भेजे हैं, अभी मेरी DG हेल्थ से बात हुई है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि शीघ्र हम इस ICU को चालू करा दें ताकि इसका लाभ मसूरी की जनता को मिल सके। ये लोगों की जान से कीमत से ज़्यादा कीमत तो कुछ नहीं हो सकता और सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। अब मैंने कहा ना कि अभी हम लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर आवश्यकता हुई, ऐसा महसूस हुआ कि लगाना आवश्यक हो गया, तो उसके बारे में भी सोचा जाएगा।